नमस्कार G24 लाइव न्यूज में आपनु स्वागत छे। समग्र देश में चाली रहेल खेडूत आंदोलन ना मुख्य नेता राकेश टिकैत हाल गुजरात प्रवासे छे, त्यारे आज रोज सरदार पटेल ना वतन करमसद में आवी पहुंच्या था, ज्यां स्थानिक खेडूतो अने आम आदमी पार्टी ना कार्यकरोए भव्य स्वागत करीने ट्रेक्टर रेली योजी हती। राकेश टिकैत तेमज शंकरसिंह वाघेलाए त्यारबाद सरदार पटेल ना निवास स्थान नी मुलाकात लीधी हती। खेडूत आंदोलनना मुख्य नेता राकेश टिकैत तेमज शंकरसिंह वाघेला आज सरदार पटेलना वतन करमसद गामे आव्या हता। बस स्टेन्ड खाते स्थापित सरदार पटेलनी प्रतिमाने सूतरनी आंटी पहेरावी फूलहार अर्पण कर्या हता। त्यारबाद गामना आगेवानो द्वारा ट्रेक्टर रेली योजवामां आवी हती। आ रेली सरदार पटेलना घर सुधी पहोंची हती। आ समये आम आदमी पार्टीना कार्यकरो पण मोटी संख्यामां राकेश टिकैतना समर्थनमां जोडाया हता અને સરદાર પટેલ અમર રહો સરદાર પટેલ અમર રહોના નારા લગાવ્યા હતા। સરદાર પટેલના ઘરની મુલાકાત દરમિયાન શંકરસિંહ વાઘેલાએ ખેડૂત નેતા રાકેશ ટિકેટ સરદાર પટેલના ઘરમાં બનાવેલ તસવીરો બતાવી હતી। સરદારને યાદ કર્યા હતા અને ઘરના મુકેલ સરદારની અખંડ જ્યોતના દર્શન કર્યા હતા। ગુજરાતના ખેડૂતોમાં જાગૃતિ લાવવા માટે આ સમગ્ર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કરમસદ ખાતે ખેડૂત સંગઠનો દ્વારા તેમનું ઉમળકાભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। એ તો ગામ ही पूरा परिवार है उनका, पूरा जो देश है पूरा किसान उन्हीं का ही परिवार है। और आज धन्य हो गए जो किसान तीर्थ है, इस पे आके हम धन्य हो गए। और ये जो कड़ी हवेली जो ये मकान देखा है, तो इससे पूरा देश का ये घर है, पूरे देश के किसानों का घर है। और पूरा गाँव ही किसान है, उनका परिवार है, पूरा देश उनका परिवार है। और धन्य हो गए जो किसान तीर्थ हम यहाँ पाए, तो आज धन्य हो गए। और यहाँ से एक जो लड़ाई है उसको नई ऊर्जा के साथ में हम ये लड़ाई की और शुरुआत करेंगे। और गुजरात एक आंदोलन का बड़ा स्थान रहा है, आज़ादी के बाद में जो आंदोलन यहाँ से चला, किसानों का जो मूवमेंट चला, उस स्थान पर हम आए और यहाँ से हमको नई ऊर्जा हमको मिली है। आपको जितना चाहिए इतना यहाँ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा दिख रहा है, क्या करेंगे? नहीं, मिल रहा पूरा सपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं, सब सपोर्ट मिल रहा है। ये तीर्थ है, किसान का तीर्थ है ये, तो इसमें तो जिनको भी आंदोलन करना है, जिनको भी किसान के बात करनी है, तो उनको इस तीर्थ पर आना चाहिए। ठीक है जी, सरदार साहब का आज तक पॉलिटिकल ही ब्रांड गेम चला हुआ है, और आज आप कृषि आंदोलन से जब उनका नाम लेकर चल रहे हो, तो इसमें कितनी सफलता मिलेगी? क्योंकि अभी तक तो पॉलिटिकल ही एजेंडा में सरदार साहब चल रहे हैं। नहीं, सरदार साहब उस टाइम पे पॉलिटिकल एजेंडे थे तो पॉलिटिकल में चल रहे थे, हम नॉन पॉलिटिकल लेकर चल रहे तो नॉन पॉलिटिकल चलेंगे। जब संसद में आवाज उठनी बंद हो जाए तो फिर सड़क की आवाज उठाई देती है। देश में जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो क्या उस टाइम पे पार्लियामेंट में आवाज लड़ी? उस टाइम पे संसद से लड़ाई लड़ी गई सड़क से। तो जब जब भी पार्लियामेंट संसद में आवाज नहीं उठती, विधानसभा में आवाज नहीं उठती, तो सड़क की आवाज सुनाई देती है। फिर तो आज वो टाइम आ गया कि संसद में अगर आवाज नहीं है तो सड़क की आवाज सुनाई देगी। तो ये तो गांव की एक विचारधारा, एक एनर्जी है। यहाँ पे कोई पार्लियामेंट थोड़ा था, इनमें ये गांव है, गांव में हम आए हैं और सरदार जी जहाँ रहते थे उस गांव में आए, यहाँ से नई ऊर्जा के साथ में हम जाएंगे। सर, आप पश्चिम बंगाल भी गए, कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ का? वहाँ से एक मुट्ठी वो चावल मांग रही है सरकार, हमने उसको कहा कि इसकी कीमत मांग लो आप उनसे। तुमने तो उनको ये बताया कि इस चावल की आप इनसे कीमत मांग लो, जो आपसे एक मुट्ठी चावल मांग रहे आप इनको कहो कि इसकी MSP दे दो। दिल्ली में आंदोलन चल रहा, इस पर कानून आप बनाओ। क्या TMC जीत जाएगी वहाँ? हमें नहीं पता कौन जीतेगा कौन हारेगा, हमको पॉलिटिकल एजेंडे तय करके चल रहे देश में। 6:30 बजे गांधीनगर से निकले, बीच में मोटेरा स्टेडियम आया, मैंने राकेश जी को बताया कि यह स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था, वो नाम देश के प्रधानमंत्री ने बदलकर अपना रख दिया। एयरपोर्ट जो बीच में आया, तो एयरपोर्ट का नाम शंकर सिंह वाघेला ने सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम रखा था 1996-97 में, वो भी इन्होंने अदाणी नाम रखवा दिया। ये तो बात बहुत एजिटेशन हुआ, इसके बाद फिर नाम रखा पड़ा, एयरपोर्ट का नाम भी मिटा दिया था। और यहाँ आने के बाद जो हमारे अमीन जी और बाकी ने जो मेमोरेंडम दिया कि ये वल्लभ विद्यानगर और करमसद
महाकॉर्पोरेशन मतलब महा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन न बने, इनकी आइडेंटिटी अलग रहे, मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरकार के हाथ में होते ऐसी सरकार लाइए जिसमें हमारे जो लफ्ज कहे जाए कि इसको ऐसा ही डीनोटिफाई करना है, करमसद ऐसे ही रहेगा, वल्लभ विद्यानगर ऐसे ही रहेगा, जहाँ भी कॉरपोरेशन लंबा करना है वहाँ तक हाईवे के बाहर भी करिए, इसको रहने दीजिए। ये जो डिमांड आपकी है वो जरूर हम कोशिश करेंगे कि ये डिमांड रहे। और गांधी जी के दर्शन करके सरदार साहब के दर्शन के लिए इनके पवित्र घर पर आए हैं, यहाँ से बारडोली जाएंगे जहाँ वल्लभ भाई पटेल को सरदार का इल्काब गांधी जी ने दिया था, किसानों के सत्याग्रह, ये भी किसानों के सत्याग्रह है, उस समय वो सरदार थे, आज ये सरदार है। देखिए किसानों की बात जो भी करेगा, तीन काले कानून वापस लेना है, MSP को कानून बनाना है, कोई नई बात नहीं है, इससे मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा, महंगाई बेकारी बढ़ेगी, बेकारी कम से कम आज तो 10 करोड़ लोग बेकार है, 10 करोड़ लोग, और 3 करोड़ लोग मध्यम वर्ग से मिडिल क्लास से खत्म होकर गरीबी में चले गए, महंगाई बेशुमार है। इतना ही नहीं, अमूल जो ब्रांड डेयरी का है, पूरा डेयरी का कानून लाकर विदेश से पाउडर लाया जाएगा दूध का, यहाँ का दूध पैदा करने वाला खत्म हो जाएगा, अमूल ब्रांड खत्म हो जाएगी, किसान खत्म हो जाएगा। इन्होंने GST नोटबंदी करके व्यापार खत्म कर दिया, अब किसानों खत्म कर दे, एक ये जो है लगा है COVID-19 उसमें एजुकेशन खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, मिडिल क्लास खत्म हो गया, ये क्या हो क्या रहा है? जनता ने इसके लिए वोट नहीं दिए थे, अच्छे दिन के लिए वोट दिए, कौन से अच्छे दिन? नाम बदलने के। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदला गया, साबरमती आश्रम में गए तो वहाँ मैंने कहा कि आने वाले दिनों में मोहन मधुकर भागवत जो RSS के चीफ है, इनका नाम अगर साबरमती आश्रम में रखा जाएगा तो नई बात नहीं होगी, ये हैबिट है इनको, इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। यूथ जो है जिनको कोई बेकारी के सिवा कोई गंवाना है ही नहीं, ओनली गंवाना है तो बेकारी गंवाना है, गरीब लोगों को महंगाई गंवाना है, आइए हमारे साथ, सही बात है तो आगे बढ़िए, सबके साथ में रहिए और सरकार के सामने एजिटेशन करिए। 2 दिन से अच्छा प्रतिभाव है, कल सुबह 6 बजे वहाँ आबू से निकले थे, रात को 11 बजे गांधीनगर पहुँचे, आज रात को 10 बजे पहुँचेंगे सूरत एयरपोर्ट, वहीं से विदाय होंगे जहाँ इनको जाना है वो। बहुत अच्छा प्रतिभा, वंडर करंट भयंकर है, और करम शक्ति निवासियों का हम आभारी है कि फूलों की वर्षा से आपने हमारा स्वागत किया, बाहरों फूल बरसाए, हमारे किसान नेता आए हैं, ये आपने फूल बरसाए, और ये सही मामला है, यही चीज़ की कमी है, वही कमी की पूर्ति आपने की है, जितना भी धन्यवाद हम आपका करेंगे इतना कम है। भूपेंद्र सिंह सोलंकी, ब्यूरो रिपोर्ट, आनंद।